आरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 10 और 11 अगस्त को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के बाद जो 34 बच्चों की मौत हुई और साथ ही एक वार्ड में जो वयस्कों का वार्ड था उसमें 18 लोग मर गए, इस घटना के बाद गोरखपुर में और आसपास के ज़िलों में जो बच्चों की बड़े संख्या में मौत है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसेफ्लाइटिस से और दूसरी अन्य बीमारियों से बच्चों की एक बड़ी संख्या में मौत हो रही है और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल और सीएससी पीएससी पर जितने इंतजाम होने चाहिए, जितने डॉक्टर होने चाहिए, जितने पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए, जितने उपकरण होने चाहिए और जितने बेड होने चाहिए, उसका भी बहुत ख़राब हाल है। तो अगर हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन घटनाओं को देखते हैं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज को के साथ हम पूरे देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है उसको हम देख सकते हैं। एक पैरामीटर है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का कि आप वहाँ से पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो पाएंगे कि या एक ऐसा हॉस्पिटल है ये कि जो 6 करोड़ लोगों का भार ढोता है, 14 जिले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और 5 जिले जो पश्चिमी बिहार के हैं, 19 जिलों में एक लौता ये मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा टर्सरी केयर सर्विस का और कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। न्यूनेटल वार्ड की ही स्थिति मैं बताऊँ तो वहाँ पे एक समय में 100 से लेकर 150 बच्चे वहाँ पर भर्ती रह रहे हैं, लेकिन उसकी बेड की जो वहाँ पर जो पूरी क्षमता थी वो 44 की थी और उसमें भी वार्मर बेड थे जो 11 थे काम कर रहे थे, 4-5 तो काम ही नहीं कर रहे थे। तो वहाँ 2 साल से वहाँ बाल रोग विभाग के जो अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं और दूसरे डॉक्टर्स हैं, वो मांग कर रहे थे कि हमारे पास 30 वार्मर होने चाहिए और ये भी मांग कर रहे थे कि वो NICU का एक्सपेंशन करके उसको 100 बेड का कर दिया जाए। और इसमें सब जो बजट था वो सिर्फ 11 करोड़ का था, जिसमें जितने स्टाफ हैं उनकी सैलरी भी 1 साल की इंक्लूड थी, उसमें शामिल थी। लेकिन ये 2 साल तक अभी तक नहीं कर पाए। अभी जब बच्चों की बड़ी संख्या में मौत हुई है और ये मामला उछला है, राष्ट्रीय स्तर मीडिया में आया है, तब अभी दूसरे जगहों से इंतजाम करके 24 और वार्मर वहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन वो अगर ये पहले से रहता तो जो न्यूनेटल वार्ड में जो मौतों की संख्या है, नवजात शिशुओं की मौतों की संख्या है, उसको ज़रूर हम लोग कम किया जा सकता था। इसी तरह से जो PICU है उसमें भी इंसेफ्लाइटिस और दूसरे बीमारियों से जो ग्रस्त बच्चे भर्ती होते हैं उनके लिए ज़्यादा वेंटिलेटर, ज़्यादा ICU वार्ड की ज़रूरत होती है, वो कम है, इंतजाम कम है। और इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पर जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्सेज और चतुर्थ श्रेणी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी जितने मानक के अनुसार उनकी संख्या कम है, कम से कम 100 से ज़्यादा स्टाफ कम है और वो सब उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं। सैलरी उनकी बहुत कम है, आधी है। जो परमानेंट उसी मेडिकल कॉलेज में जो परमानेंट स्टाफ नर्स है वो जितना पाती हैं और उसके मुकाबले जो इंसेफ्लाइटिस वार्ड में जो स्टाफ नर्स काम करती हैं उनका वेतन आधा है, उनकी छुट्टियां कम हैं। और यही नहीं, उनकी सैलरी भी उस समय से नहीं मिलती है। अभी पिछले 6 महीने की सैलरी अगस्त में मिली है और फिर उसके बाद से 2 महीने की सैलरी अभी बकाया है। इसी तरह से जो इंसेफ्लाइटिस से जो विकलांग बच्चे हैं उनके इलाज के लिए जो प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो बना था वो लगभग बंद होने की स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर 30 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है। 3 डॉक्टर जो वहाँ काम करते थे, जो बच्चों की सर्जरी भी कर सकते थे, उसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ठीक हो सकते थे, वो वेतन न मिलने के कारण छोड़ के चले गए। तो ये पूरा हाल ये है कि हम लोग पिछले करीब 1 दशक से ये मांग करते रहे हैं कि इंसेफ्लाइटिस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और ख़ासकर जब 6 करोड़ लोगों के बीच सिर्फ यही एक हॉस्पिटल है और अगर उसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या हम देखें तो इन करीब 90 लाख के आसपास होती है, तो अगर उनके हिसाब से यहाँ पर बच्चों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अभी पिछले 2 साल पहले वहाँ पर एक 500 बेड का एक चिल्ड्रेन इंस्टीट्यूट बनाने की बात हुई है, उसकी बिल्डिंग बन नहीं है, लेकिन जब बन कर आएगी तब हमारे सामने आएगा। लेकिन बिल्डिंग तो सरकार बना देती है, अगर हॉस्पिटल की मांग करिए तो वो अगर वो ज़्यादा समय नहीं लगता उसको पूरा कर देती है, लेकिन जब वहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और संसाधनों की बात आती है तो उसमें सरकारें काम नहीं करती हैं।
तो ये मेडिकल कॉलेज में अगर हम आप देखें कि इंसेफलाइटिस के ही बच्चों को देखें आप, तो 1978 से लेके अब तक सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 40,000 बच्चे एडमिट हुए हैं, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा की मौत हो गई है, लगभग इतने ही विकलांग हैं। तो हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ से हम पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देख सकते हैं, और ये इसलिए है कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य पर बहुत कम पैसा खर्च कर रही है, 6% GDP के बजाय वो 1.2% ही खर्च कर रही है, उसमें भी वो निजी क्षेत्र का जो खर्चा है वो भी शामिल है, यही कारण है। और उसको अगर हम एक व्यक्ति पर जोड़ें तो यूपी में वो 935 रुपये के आसपास होता है एक व्यक्ति पर एक साल का खर्चा, जबकि कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये उसको खर्च करना चाहिए। इसीलिए ये स्थिति ये है कि जो यूपी में 773 CSC हैं, वहाँ पर कम से कम आपके 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। केवल मैं बाल रोग विशेषज्ञों की बात करूँ तो वहाँ 600 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह से दूसरे जो सर्जन हैं उनके पद खाली हैं। जितनी यूपी को जितने PSC चाहिए, जितने CSC चाहिए, और PSC CSC में जितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ चाहिए, वो उनकी कमी जो है खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि 40 से 50% वो कम है। तो ये हम इसके जरिए देख सकते हैं कि जब तक सरकार ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी, ज़्यादा बजट नहीं देगी, और उसके निजीकरण की तरफ जाने के बजाय, अभी समस्या एक निजीकरण की भी आ गई है कि सरकार इसे पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर के जरिए इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि गोरखपुर को ही देख लें तो गोरखपुर में कहा जाता है कि ये प्राइवेट निजी डॉक्टरों का एक हब है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा नर्सिंग होम हैं, लेकिन वहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए कोई न्यूनेटल वार्ड किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं है, वो खुद रेफ़र कर देते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज। इसी तरह इंसेफलाइटिस के केस 2-4 दिन रख के कुछ पैसा बना के फिर वो रेफ़र कर देते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज। यानी जो सरकार कह रही है कि इस तरह के जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसका सारा काम जो है वो मुनाफा कमाना है। और सरकारी, इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग की मांग है कि जो प्राइमरी से ले के और पूरा जो टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस है वो पूरा सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, सरकार को GDP का 6% जो है वो खर्च करना चाहिए, तभी हम इन बच्चों की मौत से लेकर दूसरे जो बड़ी संख्या में मौत है वो सरकार इसको सामान्य, बहुत दिक्कत की बात यह है कि इसको सामान्य मान लिया गया है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने और दूसरे लोगों ने जो बयान दिए, अक्सर जो ऑक्सीजन की कमी के बाद जो बच्चों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि अगस्त में तो इतनी मौतें होती रहती हैं। अभी ये इस साल 2017 में 1 जनवरी से 15 सितंबर तक 2017 बच्चों की मौत हो चुकी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और इसको सरकार ने कहा है कि ये सामान्य मौतें हैं। तो जब इतनी मौतों को सरकार सामान्य मान लेती है और तब उसको एक तरह से वो अपने कुछ भी करने से पिंड छुड़ा लेती है, वो कहती है उसका मतलब है कि उसको कुछ भी करना नहीं चाहिए, इतना तो पहले भी होता रहा है अब भी होता रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, कि हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं स्वीकार्य है, और धीरे धीरे जो जनता है उसका भी आक्रोश बढ़ रहा है। अभी जिस तरह से आप देखें कि जिन बच्चों, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की कमी थी, अगर सरकार का इंतजाम पूरा होता तो शायद हमारा बच्चा बच जाता। अभी सिद्धार्थनगर में एक परिवार ने जो इंसेफलाइटिस से जो मुआवजा होता है बच्चों की मौत का, जो मुआवजा जो सरकार देती है 50,000 रुपया, वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमको ये पैसा नहीं चाहिए, ये आपको ये पैसा हमारी व्यवस्था को ठीक करने में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर व्यवस्था ठीक होती तो मेरा बच्चा आज हमारे साथ होता। तो ये जो जनता अब सोचने लगी है, पहले इसको अपने कर्म और अपने भाग्य का समझती थी कि बच्चा उसका चला गया तो सोचती थी कि हमारे भाग्य में ये नहीं था बच्चा, अब वो सरकार की तरफ देख सोचने लगी है कि सरकार की कमी जिम्मेदार है। तो ये जो जनता के सोच में जो परिवर्तन आया है, अगर सरकार अब भी नहीं समझती है, उसको लगता है कि ये सामान्य मौतें का कर वो निकल जाएगी, तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो पाएगा, और एक बड़े आंदोलन का, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़े आंदोलन को का सामना करने के लिए इन सरकारों को तैयार रहना चाहिए।